बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू नॉलेज सिंडिकेट। आई एम योर टीचर खिज़र जावेद। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 8i+11, दूसरा है -7+5i। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 8i+11, ब्रैकेट डाल देंगे। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -7+5i, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इस 8i को 7 के साथ भी, -7 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 8i को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 8i -7+5i, फिर +11, -7+5i। अब हम लोग 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 0 माइनस का साइन साथ में लगेगा, -56i। 8 7 0 -56i। अब 8 को हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 0 40, और साथ में आयोटा और आयोटा स्क्वायर। आगे उसी तरह से प्लस, ये प्लस इनटू माइनस माइनस हो जाएगा, 11 7 0 -77, और ये हो जाएगा 11 5 0, प्लस ही रहेगा और ये 55i। अब सबसे पहले हम लोग इमेजनरी पार्ट एक जगह कर लेते हैं और रियल पार्ट एक जगह। -56i+55i, इसको हम लोग लिख सकते हैं +40i स्क्वायर की वैल्यू पढ़ी हुई हमने, वो क्या है, -1, और ये साथ में -77। उसी तरह से अब -56 + 55 -+ तो ये हमारे पास आ जाएगा -1i। 1 साथ में लिखें या लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से प्लस इनटू माइनस, -40 - 77, और ये हो जाएगा हमारे पास -1i। और -40 और -77 हमारे पास आ जाएगा -117। तो अब हम लोग पहले रियल पार्ट लिखते हैं और फिर उसके बाद इमेजनरी। -117 - 1i, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 3i, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा है 2 × 1 - i। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3i ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 2, फिर ब्रैकेट 1 - i, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद 3i उसी तरह लिख देंगे। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 0 2 - 2i। अब इस 3i को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3i × 2 6i + -3 2 0 6, और साथ में ये आयोटा स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो क्या है, 6i - 6i² की वैल्यू क्या है, इधर साइड पे लिख देते हैं -1। अब ये हमारे पास हो जाएगा 6i - -+6, रियल पार्ट पहले लिख लेंगे 6+, और बाद में इमेजनरी, और ये रहा हमारा आंसर। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन दोनों को अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, पहले √2 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √2 - √3i, बीच में प्लस का साइन, +√3i,
इसको हम लोग दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 माइनस √3 आयोटा। तो अभी हमारे पास हो जाएगा ये √2 इस अंडर रूट टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2√4 माइनस ये हो जाएगा √6 आयोटा, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2√3 आयोटा, ये हो जाएगा प्लस इनटू माइनस माइनस ये हो जाएगा 3 3 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग इधर डायरेक्ट लिख लेंगे -1। 2√4 माइनस √6 आयोटा प्लस 2√6 आयोटा माइनस इनटू माइनस प्लस √9। अभी इसी तरह से 2√4 हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस ये हमारे पास √6 आयोटा है माइनस √6 आयोटा, और ये प्लस 2√6 आयोटा माइनस इनटू प्लस माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा बड़ी रकम का साइन प्लस √6 आयोटा, प्लस √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3, √9 के इसके 3 के को रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 4 प्लस √6 आयोटा प्लस 3, 4 + 3 7 प्लस √6 आयोटा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।